देखिए, अगर छुटपुट आ रहे हैं तो बाकी तो नहीं आ रहे ना। आप तीन का उदाहरण दे रहे हैं, आप तो शिवराज जैसे बात कर रहे हैं। उदाहरण ऐसा देंगे जो सूट करता है। सर, यानी मांगा कि वैक्सीन है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद कोविड में। ये बड़ी गंभीर समस्या मध्य प्रदेश में है। मेले चल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए शराब की दुकान खुली है। तो इसको अगर गंभीरता से नहीं दिया जाए, मैंने तो पहली मार्च 2020 को कहा था कि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस वक्त करोना डरोना के नाम पर इसे मजाक में टाल दिया था। हमारी कानून व्यवस्था को भी कोविड हो गया, ये हालत है। जितनी महिलाओं पर अत्याचार, जो कत्ल किए जा रहे हैं, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष छतरपुर का, उसका खुलेआम मर्डर हो रहा है। तो आज ये गंभीर स्थिति जहां हर वर्ग परेशान है, हमारा नौजवान भटक रहा है, हमारा किसान परेशान घूम रहा है, हमारा छोटा व्यापारी आज दुखी है, आर्थिक गतिविधि घट रही है, ये आज पूरे प्रदेश का चित्र है। किसान के स्थिति जो कृषि क्षेत्र की है, जिससे 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, जब ये परेशानी में होती है तो पूरा प्रदेश परेशानी में होता है। बड़े बड़े शहरों में बैठ के ये एहसास नहीं होता, पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। सर, दो दिन बाद 20 मार्च आ रही है, और पीछे 20 मार्च को जो हुआ था हम सब लोगों ने देखा था, आपके सुख में देखेंगे एक साल हो गया। ये 20 मार्च आएगी, 20 मार्च जाएगी, अगले साल भी 20 मार्च आएगी। मुझे 20 मार्च नहीं, 20 फरवरी भी याद है कि सौदे की राजनीति का प्रवेश मैं मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदे की राजनीति कर सकता था, पर मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होगी, ये मेरा लक्ष्य था और यही मैंने एक सिद्धांतिक रूप से तय किया था, नैतिक रूप से तय किया था कि ये हम नहीं करेंगे। सर, आपने 20 मार्च को कहा था कि आज के बाद कल आता है, कल के बाद परसों भी आता है। बिल्कुल, इसीलिए अभी भी मैंने कहा कि 20 मार्च अगले साल भी आएगी, 20 मार्च उसके बाद भी आएगी। और कांग्रेस सरकार में आएगी कि नहीं, आज मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना था, हमने सरकार जन आदेश से बनाई थी, हमने सरकार सौदे से नहीं बनाई। अब ये सौदे से बनी हुई सरकार जनता फैसला करेगी। बहुत जागरूकता है, आज मतदाता बहुत होशियार है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में। जो आप मतदाता को समझाते थे, आज मतदाता आपको समझाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण, एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, एक लड़की है आयुष्जैन, आप बता रही अपना आयुष्जैन, वो कह रही है कि बीजेपी दफ्तर के अंदर ये सब मैं नहीं जानता, मेरे ये वीडियो मेरे पास देखा था। मलैया जी संपर्क में है क्या कांग्रेस के साथ? मलैया जी संपर्क में लेकर मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता, तो उससे बात कर रहे हैं, उससे वैक्सीन तो पूछ रही है, रंगीला वैक्सीन तो पूछ रही है। सर, मत जाओ, वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस नेता बहुत लेट लतीफ है और वैक्सीन को लेकर भरोसा नहीं है आपको, लेकिन आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो किस तरह का? भरोसे की बात नहीं है, मैं चाहता था जिस प्रकार की सूची बनी है, जो फ्रंट लाइन वाले हैं वो पहले ले, मैं खुद खड़ा हो जाऊं सबसे पहले लाइन में, ये उचित नहीं था। तो जब हमारा नंबर आने लगा मैं पहुंच गया। सर, आपने कहा था कि कर छूट के गई है, आप जब सत्ता में आए तो आपने कहा था कि बहुत सारा कर छूट के गई है भाजपा जो सरकार शिवराज जी, और आप फिर से वो कर्ज ले रहे हैं, और अभी भी उन्होंने 3,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। देखिए, ये कर्ज ले रहे हैं, ये सरकार टिकी है कर्जे पर, राजनीतिक कर्जे पर और आर्थिक कर्जे पर। थैंक यू।